जी ने उस दिन कहा, जोशी तुम मेरी परीक्षा में पास हो। ये बात बहुत कपड़े उतारने पूरे और हमने उतार कर दिए जो दीक्षा प्रदान की। वो दीक्षा आज मुझे याद है। उस दिन के बाद मुझे पलट कर देखना नहीं पड़ा और उसके बाद हम बहुत सारे शिविर हो गए और गुरु जी की बातें सुनते थे। जो जीवन में कभी एक बार अपने पैसों से अगर शिविर करता है तो गुरु ने कहा था उसके सात जन्मों के पिता मित्रों के शाप देवताओं के शाप पूर्ण तरीके से चले जाते हैं और वो सिद्ध कहलाता है। अब उपाय बगल में बैठे बैठे कहते थे कि अपने नसीब में कभी शिविर होगा अपने को हम लोग पर खाना ही खाते हैं हमारे से शिविर हो सकेगा हम शिविर कर सके नहीं क्या मैंने कहा उनकी कृपा है तो कर सके नहीं। और तभी भी शिविर जब होता था सबसे पीछे जाके बैठता था कभी सामने नहीं आया। लेकिन 1993-94 के बाद पहली बार क्या हुआ कि बेंगलुरु में वृणी शिविर रखा था और साउथ का शिविर था साउथ की तरफ से। तो मैंने गुरु जी से आते तब तक मेरे पास बहुत सारे लोग साधक मेरे साथ आते थे तो मैंने डिक्लेयर किया कि हम बेंगलुरु को गुरु जी के शिविर के लिए जाएंगे। तो जाएंगे जैसे गुरु जी के बारे में बताया और गुरु जी के बारे में कहने लगा तो देखते देखते एक बस दो बस के लोग जमा हुए कि हम बेंगलुरु शिविर को जाएंगे। बेंगलुरु शिविर था और हम दो बस में चढ़कर शिविर को गए। शिविर को गए तो बेंगलुरु में देखा कि साधक शिविर के लिए कोई नहीं थे केवल हैदराबाद वाले दो बस और वाले शिविर थे। और ये बात मुझे पता चली कि जोशी ने वहाँ से दो बस के लोगों को शिविर के लिए लाया है। जब ये बात बेंगलुरु को पता चली तो बेंगलुरु ने स्टेज पे बुलाया स्टेज पे बुलाकर कहा कि जोशी तेरा सामर्थ्य तो मैंने देखा है तूने अगर इतनी बेंगलुरु में दो बस के लोगों को तेरी बात पर लोग आते हैं तो तेरे में सामर्थ्य जरूर है तो ऐसा कर एक शिविर बना के हैदराबाद में। अब भाई उस समय से परेशानी शुरू हो गई तो शिविर में पैसे कहाँ शिविर कहाँ से करो। उस समय की बात है कि हम 94 शायद 94 या 94-95 में एक बार बॉम्बे शिविर था और एक मैं समझता हूँ पानीपत के चंडीगढ़ में शिविर था। तो मैं लेकर हम बॉम्बे शिविर में गए। आज आप जो देवी भैया को देख रहे हैं वो उनके पिताजी माताजी के साथ शिविर को आए आज भी वो याद दिलाते कि हम शिविर में बैठे थे तो हमारी जगह अभी तभी रोहिणी के पिताजी थे माताजी और उनके मामा थे सब लोग गए तो ये लोग आपके बगल में बॉम्बे शिविर में बैठे थे तो रवि आज भी याद करते हैं कभी कभी भैया तुम्हारे साथ जो लोग थे हमारे को वहाँ बैठे थे तो उठा दिए मुझे पता नहीं था कि मैं उठा दिया या नहीं दिया लेकिन उठा दिया वो बात पर बताते हैं कभी कभी। और उसके बाद दूसरा शिविर जब हुआ तो हम सब लोग चंडीगढ़ में जा रहे थे तो चंडीगढ़ में रवि भैया उनके पिताजी के साथ सब ट्रैवल कर रहे थे तो कभी कभी दोस्ती हो गई थी मैं घर में आना जाना होता था तो रवि भैया के पिताजी को आस्थमा था बहुत दम चढ़ता था सडनली क्या हुआ ट्रेन में चलते चलते उनका दम बढ़ने लगा बहुत। रवि भैया उनके भाई थे और बदली और आगे कहने लगी कि पिताजी का दम बहुत बढ़ रहा है। तो मैंने गुरु जी की एक छोटी सी साधना की। वो साधना के माध्यम से मैंने क्या कहा कि नया रुमाल लिया और तीन गांठ एक मंत्र से बांध लिया और बोला रवि भैया एक तीन गांठ मेरे ऊपर से उतार कर उनके बाहर फेंक दो। आज भी याद उनके पिताजी ने जैसा ही उतार के फेंका उन्होंने देखा कि बहुत रिलीफ हुआ वो आए बाद में मुझे मिले ट्रेन में बाद में हम सब लोग चंडीगढ़ के साथ वहाँ गए। आने के बाद फिर यही बात हुई कि रविया गुरु जी ने कहा है कैसा हैदराबाद में शिविर हो आपको तो पता है मेरे पास तो पैसा भी नहीं है मैं तो शिविर नहीं करने के लिए सोचना पड़ता। फिर अब ये भी तंग करने लगे कि हम हैदराबाद में शिविर करेंगे ठीक है मैंने कहा अपन एक चिट्ठी डालेंगे गुरु जी का शिविर लेने के लिए एक चिट्ठी डाली 2-2.5 लाख की चिट्ठी डाली। रवि भैया ने भी काम मैं करता हूँ फिर अनिल पड़गाव करके उन्होंने भी काम मैं करता हूँ बाद में रोहिणी नौकरी करती थी उनके भाई भी थे रोहिणी भी थी उन्होंने भी कहा
हम कुछ न कुछ अपनी तरफ से डालकर शुरू करें, थोड़ा सा दिलासा बनना। और पहला शिविर हमने हैदराबाद में किया। अब पहला शिविर किया तो ये परेशानी की बात ये कि हमने तो बहुत प्रचार कर दिया, बड़े गुरुदेव शिविर को आ रहे हैं और अब सब लोग शिविर को आ जाओ। सब लोग अच्छे तैयारी में थे। बाद में पता चला कि बड़े गुरुदेव जी नहीं आ रहे, पुत्र को भेज रहे। अब रवि भैया मेरा टेंशन स्टार्ट कर दिए, वहाँ पांडे जी नाम ये क्या है, उनके बेटे आते हैं, हम इतना सब तैयार किए, बड़े गुरुदेव नहीं आए तो सब लोग क्या कहेंगे। आप रवि भैया का टेंशन रात से तीन बार पांडे जी को जाके वो बढ़ा के काफिल ऐसा हुआ कि पांडे जी को जाके तो गालियाँ दी थी। हमारे कई कुछ भी करो बोलते गुरु जी आते, हम गुरु जी आते बोल के कर रहे थे, गुरु जी का बेटे आ रहे ये क्या है। अब सब लोग ये करने के बाद बार बार फोन शास्त्री जी पांडे जी गुरु जी ऐसा। आखिर में गुरु जी रात के 10 बजे फोन किए, पांडे जी मुझे बता रहे, अरे रवि भैया वो सब लोग बोल रहे हैं सब तारे में आ रहे हैं, जोशी क्या कहता है। बोले गुरु जी क्या बताऊँ, जोशी कुछ भी नहीं बोलता है, उसका काम वो करते जा रहा है। मुझ पर चिंता होगी लेकिन उसका काम उसने आज तक अभी तक आके एक बात भी नहीं बोली। अरे भैया मेरे पास मेरे भाई आता था और आता गुरु जी नहीं आ रहे, अब कितने नहीं बोले। मैं बोले क्या बोलूँ, उनकी इच्छा से जो काम होता है होता है। हुआ ये कि सुबह 5 बजे फोन आया, फोन आया कि मैं शिविर को आ रहा हूँ। अब ये बात देखने के बाद फिर भी चिंता बनी रहती, गुरु जी कहा है आते ही नहीं आते। जैसे ही गुरु जी पहले शिविर को आए, आने के बाद गुरु स्टेज पर चढ़े और गुरु जी ने एक बात कही। मैंने पांडे से पूछ लिया था कि सभी का टेंशन कैसा है, जोशी का भी टेंशन पूछा था। तो पांडे जी कह रहा था कि वो खामोशी से काम करते जा रहा है और उसकी खामोशी, जोशी अगर खामोश है तो समझो वो ज्वारा है फूटने वाली है कभी, उसकी खामोशी बहुत खतरनाक है। बात करता है गाली देता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसने अगर कभी खामोशी देखी तो समझ लो कि वो कुछ नहीं। अगर मैं आज नहीं आता तो वो अपने आप को जला देता। इसी बात शिविर के फिगर के पहले दिन गुरु जी ने वो बात कही और उन्होंने कहा कि जोशी साधक है और इन सभी के वजह से ये शिविर भरा है। और गुरु जी को इतनी प्रसन्नता हुई कि हैदराबाद जैसे दक्षिण में हाल खचा के भर गया था और हमने वो शिविर शुरू कर रखा था जो बाद में बंदर थे बाकी जो बाहर थे दरवाजे बंद कर दिए। फिर रवि भैया सब लोग बाहर थे तो गुरु जी ने स्टेज पर आकर अनाउंस कर दिया कि सारे दरवाजे खोल गए आने दो सभी लोगों। और दक्षिण में इतने लोगों के साथ गुरु जी ने जब भीड़ देखी तो बहुत खुशी हुई, जो कि उन्होंने बंगलोर में भी नहीं देखी थी और हैदराबाद में पहली बार देखी। उसी समय गुरु ने कहा था कि जो शिविर करने वाले हैं उनके साथ पीढ़ियाँ सारे दोषों से मुक्त हो जाती है और वो जल चाहे नर्क में भी पड़े हो तो स्वर्ग को जाते हैं। ये बात शिविर करने के बाद गुरु ने बात कही थी और वो बात हुई, बहुत ही अच्छा हुआ। गुरु जी ने जाते जाते कहा था जोशी तो और एक शिविर कर दे। अब फिर आरम्भ हो गया कि ये शिविर करने के लिए परेशान है, ठीक है ऐसा वैसा करके फिर रहे हो या हम जुटे। फिर दूसरा शिविर हमने किया, जैसा ही दूसरे शिविर हुआ गुरु जी का जोशी और एक शिविर दे रहा। तब तक थोड़े लोग जुड़े थे तो मेरे लोग गए, अब गुरु जी का वचन ना करना था। लेकिन बात ये हुई कि मैं हैदराबाद में जितने भी शिविर किया परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ही बता रहे उनके बच्चों के साथ, इनका भी गुरु जी एब्सेंट नहीं थे। हमारी परेशानी हमारे को थी लेकिन फिर भी शिविर करते गए, कैसा भी ऐसा वैसा पैसा आते गया, ये सारी चीज़ें हुई। होने के बाद बीच में शायद समझते 6 बजे का समय बीत गया और हम भोपाल के शिविर को गए। तो भोपाल के शिविर में क्या हुआ, गुरु ने कहा था अरे जोशी मेरे और माता जी का तो एक फोटो बना के ला दे। तब पैसों की तो किल्लत थी ही थी, एक अच्छा सा फ्रेम बना के ला दे। तो हमने बहुत अच्छा फोटो चुना था, गुरु जी को लिया था कि एक ही छोटा फोटो ले लेंगे। जोशी ऐसा कर इस बार मेरा मैरिज डे है 5 जून को, बस इसके 1000 कापी ले गया। 1000 कापी ले गया, मैं बोला 1000 कापी तो क्या होता है, एक राम गोपाल सेठ थे तो
अरे गुरु जी क्या बात करें, पहले ही मारवाड़ी, फिर बाद में उन्होंने गुरु जी क्या बात करें, 25,000 होंगे उसको, 35,000 रुपये होते बोले। अरे फिर करना कैसे यार, गुरु जी तो आज्ञा हुई, आगे ऐसा वैसा करके कुछ भी करे, फिर तैयारी करे, 1,000 फोटो को तैयार करे और गुरु जी को लाके 5 जून गुरु जी का मैंने देखा तो उसके लिए हमने वो फोटो ला कर ऐसा वैसा लिखे दे दी। दे देने के बाद हम पीछे बैठे थे, गुरु जी आए खुशी मिल गई, तो गुरु जी ने कहा कि देख जोशी अभी 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 जो गुरु पूर्णिमा है वो हैदराबाद में ही होगी, आप सब करो दुआ मदिरा मदिरा पुरुष गुरु के सामने तो कुछ नहीं ले सकता था, आपने आती हुई आप भी आज कहकर गुरु को हाँ या ना कह सकते हो, लेकिन मेरा धैर्य नहीं होता था, हमारे भैया का भी नहीं होता था, लेकिन वो गुरु को नहीं कह सकते, मेरे को कह सकते थे, ये मानना गुरु ये गुरु पूर्णिमा ये। अरे अभी दूसरे लोग भी थे, कहते थे भी ऐसा करे तो करना हो ना, जोशी देख इस बार गुरु पूर्णिमा कोई कर रहा है सारा हैदराबाद पीला का पीला बना दो, पीला बनाएंगे हमारा पीला पर कैसा